हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के हमारे एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो वोकैबुलरी का पार्ट है दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि कंटेक्स्ट कैसे चेंज होता है सर, ठीक है, और इस पैसेज के डिस्कशन को हम हमारी डेली लाइफ में या हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कैसे यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे सब चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू से लेकर एंड तक आपको मेरे साथ बने रहना है, तभी आप चीज़ों का कंक्लूजन निकाल पाओगे और उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर पाओगे आप चीज़ों को, ठीक है जी। और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं आप लोगों को। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा न्यूज़पेपर था वो 31 मार्च ट्यूज़डे का था जी, ठीक है जी। और जो आज का हमारा जो एडिटोरियल है जिसको डिस्कस करना हम लोगों को, उसका नाम है शॉर्ट एंड द स्टिक ऑन असिस्टेंस टू माइग्रेंट वर्कर्स। ये जो वर्ड हम लोगों ने लिखा दोस्तों, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक एक हमारा फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का इन्फीरियर पार्ट होना, ठीक है, वीक पार्ट ऑफ समथिंग। पता नहीं कोई चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर असिस्टेंट कुछ हम लोगों ने एक्शंस लिए होंगे और उसके वीक पार्ट को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और वो थोड़ा सा स्पेसिफिक भी कर रहा है कि असिस्टेंस जो माइग्रेंट वर्कर्स को दी गई है, मतलब ऐसे काम करने वाले जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनको जो असिस्टेंस दी है वो बिल्कुल इन्फीरियर क्वालिटी की थी, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ हद तक आपको फैमिलियरिटी आ गई कि किसके ऊपर डिस्कशन होगा हमारा जी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे। इट हैज़ बीन नियरली अ वीक सिंस द सेंट्रल लॉकडाउन मेजर्स टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ सार्स कोविड 2 कम इनटू फोर्स। ये कह रहा है कि इट हैज़ बीन नियरली अ वीक, मतलब एक हफ्ता हो गया है जब से, सिंस दोस्तों यहाँ पे टाइम की प्रीपोजिशन से, और सिंस जब भी यूज होगा तो अपने बाद हमेशा पास्ट को रेफर करने के लिए, चाहे वो पास्ट का टाइम हो चाहे वो पास्ट का एक्शन हो, इसलिए हम लोगों ने केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। ये बात ध्यान रखोगे दोस्तों, जब भी सिंस एक प्रीपोजिशन का काम करेगा, मतलब टाइम के पॉइंट्स को रेफर करेगा, तो वो हम अपने बाद हमेशा टेंस पास्ट इंडेफिनिट लेगा जी, ठीक है। सिंस जब से सेंटर ने लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं, जो प्लान्स जो इसने इंप्लीमेंट किए थे टू स्लो डाउन, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, द स्प्रेड ऑफ सार्स कोविड 2, इसको रोकने के लिए जो इसने मेजर्स लिए थे जो स्लो डाउन करने के, उसको एक हफ्ता हो गया है, केम इनटू फोर्स, ठीक है, जब तक उनको लागू किया गया था, उनको लागू करने से अब तक एक हफ्ता हो चुका है, ठीक है। But what was done as a means to address a public health challenge has now transformed itself into a humanitarian crisis for many among the poorest segment of India's urban population. देखो, दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को। पहले तो ये समझना पड़ेगा humanitarian crisis होता क्या है। जो word humanitarian crisis हो दोस्तों है, इसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब जो पर्टिकुलर एक्शन बार बार होता रहे और उससे लोगों की सेफ्टी, लोगों की हेल्थ और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, थ्रेटन बने, मतलब लोग उसे डरने लगे कि पता नहीं हमारी हेल्थ को क्या हो जाएगा, हम ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हेल्थ का खतरा मंडराए उनके ऊपर जी, वो हमारा होगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है। लोगों को अपने खान पीन की सोच होने लग जाए कि क्या खाएंगे, ठीक है, मतलब इस टाइप का जो क्राइसिस होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है। ये पूरा सेगमेंट का मतलब होगा जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो गरीब तबका है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी थी, अब मीनिंग निकाल लेते हैं इसका। ये कह रहे बट एक हफ्ता हो गया, लेकिन व्हाट वाज डन, क्या किया गया है, एज अ मींस, एज अ मींस का मतलब एज अ मीडियम, रिसोर्सेज के रूप में, टू एड्रेस अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज, कि जो पब्लिक को हेल्थ का चैलेंज बना हुआ है कि लोगों को हेल्थ की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उसको एड्रेस करने के लिए अभी तक क्या किया गया है, हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड, वो खुद अपने आप में बदल गया है। देखो, पहले एक प्रॉब्लम थी, उसको इन्होंने अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया, अब वो प्रॉब्लम ने एक अपना अलग ही रूप ले लिया है, हैज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अब छोटी मोटी चीज़ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में क्या है, बदल गई है जी। फॉर मैनी अमंग पुअर सेगमेंट्स, जो हमारी सोसाइटी का गरीब तबका, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ऑफ इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन, जो इंडियाज़ की अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है, जो उसमें जो गरीब लोग रहते हैं,
उनके लिए हेल्थ के इशू ज़्यादा हो गए जी, ठीक है, इसको टैकल नहीं कर पा रही है, ये बात की गई दोस्तों इसके अंदर। द मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन हैज़ बीन द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी, थाउजेंड ऑफ whom हैव बीन लिविंग सिटीज सच एज दिल्ली इवन ऑन फुट फॉर देयर टाउन्स इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार और एल्सवेयर, ठीक है, इसके बारे में बात की दोस्तों। अब देखो बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन हैज़ बीन, हमें पता दोस्तों ये हमारी वर्ब है और ये इस वर्ब का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है जी। सेक्शन कौन सा अफेक्टेड, इसको अफेक्ट हुआ, जो अफेक्ट हुआ है मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है जी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी का ऐसा सेक्शन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, जिसको प्रभाव ज़्यादा पड़ा हैज़ बीन द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, वो क्या है, कौन लोग हैं वो, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका। थाउजेंड ऑफ होम, उनमें से हज़ारों हैव बीन लिविंग, छोड़ रहे हैं सिटीज़ को, कौन सी, दिल्ली को, ठीक है। इवन ऑन फुट, देखो जो इवन वर्ड दोस्तों वो स्ट्रेसिंग वर्ड है, ये बात ध्यान रखोगे आगे से, कौन सा वर्ड दोस्तों, ये स्ट्रेसिंग वर्ड, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करना, तो इवन यूज़ कर लो वहाँ पे, ठीक है जी। इवन ऑन फुट मतलब पैदल ही निकल पड़े वो जी, ठीक है, कोई मीन्स का उन्होंने यूज़ नहीं किया, कोई व्हीकल का यूज़ नहीं किया। फॉर देयर टाउन्स, अपने टाउन्स के लिए, जो यूपी में हो सकते हैं, एमपी में, बिहार में और कहीं पे भी हो सकते हैं। तो मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन के बारे में बात की दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। देयर प्लाइट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, प्लाइट का मतलब होता है किसी की सीरियस कंडीशन होना दोस्तों, दुर्दशा बोल सकते हैं हम इसको, उनकी जो दुर्दशा ये हुई है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, मतलब जब लॉकडाउन लगाया गया तो इनको, सरकार को पहले सोच लेना चाहिए था कि जो इस टाइप के लोग हैं वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे, मतलब ये हमारी जो गवर्नमेंट है इसका एक वीकर सेक्शन दिखा रहा है कि कैसे उसने बिल्कुल जल्दबाजी में एक्शन लिए हैं, ठीक है, आगे बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों का डिस्कशन चलेगा दोस्तों इसके अंदर, बहुत बढ़िया हमारा आज का ये एडिटोरियल डिस्कशन होगा। विद अ लॉकडाउन माइग्रेंट, मतलब विद अ लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन को साथ देखें, जब लॉकडाउन किया गया था तो माइग्रेंट वर्कर्स जो थे हमारे, ठीक है जी, डिपेंडेंट अपॉन कैजुअल एंड डेली वेज लेबर, ये कह रहा है कि जो जब लॉकडाउन हुआ था तो जो हमारे जो वर्कर्स थे वो टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, कैजुअल और डेली, जो एवरीडे की जो वेजेज आती थी, मतलब दिहाड़ी वाले लोग, ठीक है, जो डेली कमाते थे, डेली खर्च करते थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल और अदर सच जॉब वर सीवियरली अफेक्टेड, मतलब ऐसे लोग जो मतलब अनऑर्गेनाइज थे, रिटेलर काम करते थे, ठीक है, डेली टू डेली सामान बेचते थे, सामान के पैसे लेते थे, उनके बारे में बात की गई है, ठीक है, वर सीवियरली, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। एंड सोट, सोट का मतलब वो उस चीज़ को उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं, सोट द कम्फर्ट ऑफ द सोशल नेट इन देयर टाउन्स ओवर अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयर फॉर ऑफ मनी एंड रिसोर्सिस टू फेंड फॉर देयर देम सेल्फ ओवर 21 डेज, कहने का मतलब दोस्तों सोट द कम्फर्ट, उन्होंने उस कम्फर्ट जोन को देखा, उसकी तरफ सोचा कि यार ये कैसे चीज़ों को मैनेज होगा हमारा, ऑफ द सोशल नेट, जो हमारी सोसाइटी का जो नेट है, सोसाइटी का जो घेरा बना हुआ है, इसके अंदर ये लोग हैं, इसके अंदर इस टाइप के लोग हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन देयर टाउन्स ओवर द अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी तो वैसे होगी कि लॉकडाउन हो गया कैसे काम चलेगा, देयर फॉर ऑफ मनी, उन्होंने मनी की चिंता होने लगी और रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज मतलब कहाँ से खाना है, कहाँ से कुछ सामान लेना है। टू फेंड, दोस्तों जो फेंड वर्ड, इसका मतलब होगा अपना ही ख्याल करना, देखो वर्ड होता लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, अगर मैं आप ली लुक आफ्टर फॉर वन सेल्फ, अपना ही ख्याल करना, उसको बोलते हैं फेंट, ठीक है जी, सेल्फी, फेंट का मतलब अपना ही ध्यान रखना। तो वही तो बात कर रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने चिंता होने लगी मनी की, रिसोर्सेज की, अपने आप का ख्याल कैसे रखेंगे, फेंट फॉर देम सेल्फ, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज़ किया है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे सेम दोस्तों, ठीक है। ओवर द 21 डेज, कि 21 दिनों तक ये कैसे काम चलेगा, कि 4-5 दिन निकालना है वैसे मुश्किल हो गया जी, ठीक है, बहुत डीपर पार्ट इसने डिस्कस किया दोस्तों यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग इन ए कंट्री वेयर मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंट्री, जहाँ पे बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड लेबर करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब कहीं से कहीं कुछ भी काम कर लेते हैं, ठीक है जी,
एंड हु आर डिपेंडेंट, जो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अपॉन फ्रेजाइल लाइवलीहुड। फ्रेजाइल लाइवलीहुड का मतलब होगा कभी कभी खाना मिल जाए कभी ना मिले जी, ठीक है, मतलब पक्की श्योरिटी नहीं होती कि उसको खाना मिलेगा उसके पैसे मिलेंगे जी, ठीक है, उसको फ्रेजाइल लाइवलीहुड में डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन इन डेली एंड इवन आर्ली वेजेस, देखो उसने डिफाइन भी कर दिया, मतलब जो घंटे इधर कमाते थे कि 4 घंटे काम कर लिया कुछ खाने को मिल गया जी, ठीक है, उनके बारे में बात कर रही है। वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक, ये जो चीज़ है फिजिकल डिस्टेंसिंग हमेशा प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक होने वाली थी, किसने, गवर्नमेंट ने इन तबकों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि ये लोग कैसे जीवन यापन करेंगे अपना जी, ठीक है जी। दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द लॉकडाउन ऑन March 24 विद जस्ट 4 आवर नोटिस मेड इट इवन आर्डर फॉर दीज पीपल टू फिगर आउट वेज टू वेदर द चैलेंज। बिल्कुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन को 24 मार्च को, बिल्कुल सही है, ठीक है, विद जस्ट 4 आवर नोटिस। 4 आवर नोटिस का मतलब होगा कि बिल्कुल 4 घंटे में, कहने का मतलब है सब जगह इंप्लीमेंट होने वाली चीज़ें थी जी, ठीक है, मेड इट इवन हार्डर, इस चीज़ को और भी हार्डर बना दिया, देखो इवन यहाँ पे भी स्ट्रेस करा दोस्तों, फॉर दीज पीपल, इस टाइप के लोगों को, टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने का जी, टू सोल्व समथिंग, ठीक है, फिगर आउट वेज कि वो तरीके निकाल पाएं क्या करने का, टू वेदर द चैलेंज। ये एक idiom दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करना, ठीक है, मतलब इनको वो टाइम भी नहीं मिला कि जहाँ पर ये अपने आप को सोच सकें कि उस दिन से लॉकडाउन होगा तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, कि कैसे थोड़ा सा राशन पानी जमा कर लें कि किस दिन तक चला पाएंगे, नहीं, बिल्कुल सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब एक नोटिस मिलेगा कि 4 घंटे में चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना है, उससे ये अपने आप को कैसे फिगर आउट कर पाएंगे जी, कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जी, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। देर एक्सोडस, एक्सोडस मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट करते हैं उनको एक्सोडस बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल का निकलना ही क्या होता है एक्सोडस। उनका जो एक्सोडस है ऑन फुट, ये बाई फुट गलत लिखा है, अलोंग हाईवे, जो हाईवेज के ऊपर चल रहे हैं वो, फाइनली कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब किसी को फोर्स करना, किसी को ओबलाइज करना किसी काम को करने के लिए, उसने कंपेल किया उनके हाईवेज पे निकलने ने, ठीक है, सम अथॉरिटीज़ को, कुछ अथॉरिटी को, टू स्टार्ट बस सर्विसेज, मतलब ये जो अथॉरिटी है ये तब कंपेल हुई, तब इनको अपने आप को घिन आने लग गई कि जब लोग हाईवेज पे पैदल ही निकल पड़े हैं, ठीक है जी। बट दीज वर अब्रप्टली हाल्ट, मतलब इनको बिल्कुल सडनली रोक दिया गया, जैसे अभी कह रहे हैं कि हाईवेज के ऊपर सेल्टर बनाए जाएंगे कि जहाँ पर ये जो माइग्रेटिंग वर्कर्स हैं इनको रखा जाएगा, मतलब अब्रप्टली हाल्ट कर दिया कि लोगों को अपने घर तक नहीं पहुँचने दिया दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। द होम मिनिस्ट्री इश्यूड नोटिस टू स्टेट्स, जो होम मिनिस्ट्री थी इसने स्टेट्स को नोटिस इशू किए, टू ओपन हाईवेज रिलीफ कैंप्स, बिल्कुल ओपन हाईवे रिलीफ कैंप का मतलब हाईवे के ऊपर भी रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे जहाँ पे लोगों को रखा जाएगा खाने पीने की उनकी सुविधाएं दी जाएंगी, वाइल ऑब्जर्विंग फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म, और जो ये डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं कि एक दूसरे के बीच में इतने मीटर गैप होना चाहिए इसको भी ऑब्जर्व करेंगे जी, ठीक हो। लेटर ऑन संडे, बाद में संडे की बात कर रहे हैं, द मिनिस्ट्री डायरेक्टेड स्टेट, जो मिनिस्ट्री ने स्टेट को डायरेक्ट किया, एंड यूनियन टेरेटरीज गवर्नमेंट्स को इसने क्या किया, डायरेक्ट किया, उसको ऑर्डर दिया, टू एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब लागू करना, क्या करने का, लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट कह दिया कि ये तो काम होना ही होना चाहे कुछ भी हो जाए जी, ठीक है जी, एंड प्रिवेंट माइग्रेंट्स फ्रॉम लिविंग सिटीज, और कहा कि माइग्रेंट्स को सिटी से ना निकलने दो, ये आगे चल के और दिक्कत को पैदा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। इंस्टेड देर आर टू बी टेम्परेरी सेल्टर्स विद एसेंशियल, देखो दोस्तों जो वर्ड एसेंशियल, इसका मतलब हो गया कि टेम्परेरी सेल्टर्स लगाए जाएंगे एसेंशियल के साथ, मतलब खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, फॉर द स्ट्रैंडेड पुअर, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह निकलते हैं बिना कुछ लिए साथ में, बिल्कुल खाली हाथ, उनको स्ट्रैंडेड बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो एक पार्ट में इसने डिस्कस किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्या क्या दिक्कत आई, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था वगैरह वगैरह, अब दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे क्या, मतलब गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, क्या इसने आगे एक्शन लिए, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करेगा हमेशा, कोई भी एडिटर, कोई भी एडिटोरियल लिखा जाता है कभी भी एक साइड नहीं लिखा जाएगा, हमेशा दोनों साइड के बारे में बात करेगा, बैलेंस करके चलेगा जी, और यही एक राइटिंग स्किल्स होती है दोस्तों,
जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें बैलेंस करने के बैलेंस करके ही चलना होता है जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट हो गए, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि एंटी पीपल हो गए हम लोग। पीपल की बात को भी रखेंगे और गवर्नमेंट की भी बात को रखेंगे, लोगों की गलतियों को भी गिनाएंगे और लोगों को सहानुभूति भी जताएंगे हम लोग, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। दीज बिलेटेड स्टेप्स, बिलेटेड मतलब लेट, जो स्टेप आए हैं लेट, ठीक है। कैन ओनली वर्क, ये सिर्फ तभी काम कर सकते हैं इफ़ इम्प्लीमेंटेड इन अ ह्यूमन मैनर। ह्यूमन का मतलब काइंड, मतलब अच्छे तरीके से अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तभी ये काम कर पाएंगे। हर्डिंग द फैमिलीज, हर्ड का मतलब ग्रुप बनाना दोस्तों, आपने सुना भी होगा एक हर्ड होता है, ठीक है। हर्ड का मतलब ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है जी। हर्डिंग द फैमिलीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन टू इल इक्विप्ड क्वारंटाइन कैंप्स विल ओनली इंसेंटिवाइज अदर्स टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेस। ये कहने का मतलब है कि फैमिलीज को इकट्ठा करना, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इन टू इल इक्विप्ड, इल इक्विप्ड का मतलब जो वहाँ पे इक्विपमेंट हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं, बेड है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो इल है। इल का मतलब गंदा, बेड है जी, ठीक है, अच्छा नहीं है। विल ओनली इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब एनकरेज करना किसी को जी, किसी को क्या करना, एनकरेज करना। वो दूसरों को एनकरेज करेगी टू लीव फॉर, कि वो छोड़ें देर नेटिव प्लेस को जी, ठीक है। मतलब अपने नेटिव प्लेस को छोड़ने के उनको ऊपर क्या करेगा, वो एनकरेज करेगा कि वो अपने घर से निकल के आएं और यहाँ पे रहें जी, ठीक है जी। मतलब सिंपल इन्होंने ये किया है। द गवर्नमेंट्स मच यूज स्कूल्स एंड कॉलेज हॉस्टल फॉर द माइग्रेंट्स टू स्टे एंड ऑल्सो यूटिलाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू प्रोवाइड फूड। गवर्नमेंट को मतलब सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको करना चाहिए कि स्कूल्स और कॉलेजेस को, हॉस्टल को माइग्रेंट्स के लिए यूज़ किया जाए, उनके रहने के लिए, उनको यूटिलाइज करने के लिए, कि वो वहाँ का सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको यूज़ कर पाएँ, उसको यूटिलाइज कर पाएँ और उनको खाना भी पहुँचाया जाए, ठीक है जी। मतलब ये हम लोग डाइट कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा करना चाहिए। ऑल सेट, सब बातें हो चुकी हैं। द सफरिंग ऑफ द माइग्रेंट वर्कर इज एन इंडाइटमेंट। इंडाइट का मतलब होगा किसी को दोषी ठहराना, ये कई बार वर्ड रिपीट हो चुका दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, द सफरिंग ऑफ द माइग्रेंट वर्कर इज एन इंडाइटमेंट ऑफ द अनप्रिपेयर्डनेस। मतलब ये गवर्नमेंट की अनप्रिपेयर्डनेस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं टू डील विद कोविड-19 क्राइसिस, कि इसने कोविड-19 क्राइसिस से कैसे डील किया है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं दोस्तों, और ये उसकी अनप्रिपेयर्डनेस है, मतलब पहले से प्रिपेयर नहीं हुई है, ठीक है जी। द फर्स्ट इन्फेक्टेड इंडियन इन द कंट्री वॉज डिटेक्टेड इन लेट जनवरी। मतलब जनवरी के एंड में एक पहला केस हमारे इंडिया में आया था जब कोविड-19 का इन्फेक्टेड पीपल मिला था हमको जी, ठीक है जी। द सेवेरिटी, द सेवेरिटी वर्ड दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है सीरियसनेस। द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज एज इट स्प्रेड आउटसाइड चाइना एंड अफेक्टेड कंट्रीज सच एज इटली वॉज एविडेंट अ लिटल लेटर। मतलब जो सीरियसनेस इस डिजीज़ की है, जब ये फैला था चाइना से बाहर और अफेक्टेड किया था कंट्रीज़ को, जैसे इटली का नाम लिया इसने, वो एविडेंट, वो बिल्कुल साफ हो गया था अ लिटल लेटर, कुछ समय बाद। मतलब इंडिया को पहले पता लग गया था कि ये डिजीज़ कैसा है और इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं जी, इसकी सीरियसनेस क्या है, कि ये एक महामारी घोषित क्यों हो गया है जी, ठीक है जी। मतलब इंडिया को पहले से ही पता था जब जनवरी में एक पहला केस हमारे इंडिया में आया था जी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बट देर वॉज इनफ टाइम, उस टाइम पर बहुत इनफ टाइम था इनके पास फॉर द गवर्नमेंट टू प्रिपेयर To be prepared for the impending spread in India। मतलब इनके पास enough time था कि ये जो इंडिया में इस चीज़ का स्प्रेड होना है उसको रोक सकते थे जी, प्रिपेयर हो सकते थे अपने आप को जी, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट्स एंड अ मोर ट्रांसपेरेंट अप्रोच वुड हैव हेल्प्ड पीपल प्रिपेयर फॉर द लॉकडाउन। कहने का मतलब बेटर कोऑर्डिनेशन आपस में मेलजोल से स्टेट्स और अदर ट्रांसपेरेंट अप्रोच के साथ, ये वुड हैव हेल्प पीपल, ये लोगों की मदद कर सकती थी। इट मीन्स ये पास्ट के बाद दोस्तों, प्रेजेंट में तो हेल्प हो ही नहीं रही है जी, ठीक है जी। पीपल प्रिपेयर फॉर द लॉकडाउन, कि ये सब लोग किसके लिए प्रिपेयर हो सकें, लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर हो सकें। मतलब ये एक्चुअली रियलिटी बता रहा दोस्तों, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन स्टार्ट किया एक दिन का, 22 तारीख को जो इन्होंने क्या था लॉकडाउन को मतलब इम्प्लीमेंट किया, इनको सीरियसनेस भी पता थी क्या ये डिजीज़ है और लोगों को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को, कहने का मतलब देखो, मैं ज़्यादा एंटी नहीं होऊंगा इसका, लेकिन आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बात कहाँ तक की थी जी, ठीक है जी।
एज इन्फेक्शंस हैव स्लोली बिगन टू राइज, जब इन्फेक्शंस धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है, देर इज लिटल टाइम. अब बिल्कुल देखो, हम लोगों ने लिटल वाली वीडियो डिस्कस की थी दोस्तों, जहाँ पे अ लिटल, लिटल द लिटल को डिस्कस किया था. लिटल का मतलब नो. अब यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं बचा जी, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. टू बी लॉस्ट, कि थोड़ा भी टाइम नहीं है गंवाने के लिए जी. इन एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब उनको अप्रोच करना है, किसको, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को और लॉकडाउन को, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, कि लॉकडाउन से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों को क्या है टैकल करने में, इन दोनों को एड्रेस करने में हमारे पास एक भी छोटा सा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि गंवा सकें हम लोग जी, ठीक है. मच कुड हैव बीन डन बेटर, मतलब बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, बट द फोकस नाउ मस्ट बी ऑन व्हाट कैन बी डन, लेकिन फोकस ये है कि क्या करें, कैसे प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से निपटें, इससे हम लोग कैसे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकालें दोस्तों इसका, ठीक है जी. तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था दोस्तों, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था जिसमें आपको सोचने के ऊपर मजबूर किया दोस्तों, ठीक है. अब जो ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी, मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ को एंड तक लेके जाऊँ, एंड तक का मतलब डेली में आपको इन चीज़ों के ऊपर विचार प्रकट करें हम लोग, ठीक है, डेली डिस्कस करें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें हमारे थोड़े से बिहेवियर में थोड़े डिफरेंसेस पैदा हों, ठीक है, बिहेवियर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ दोस्तों हम लोग, कि एक सोचने की जो हमारी कला है उसको थोड़ा सा और एनहेंस कर पाएँ, कि चीज़ें कहाँ तक होती हैं और हम अपने आप उन चीज़ों का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं जी, ठीक है. तो आज के डिस्कशन में दोस्तों इतना ही करेंगे, ठीक है, थैंक यू जी.